नमस्कार दोस्तों, अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नैनीताल हमेशा से ही लोगों के मन को लुभाता है। ऐसे में अगर आपका बजट कम भी है तो ये जगह ऐसी है जहाँ का ट्रिप आप प्लान कर सकते हैं। दिल्ली से महज कुछ घंटों की दूरी पर स्थित नैनीताल एक बेहद ही दिलकश जगह है और यहाँ की झीलें आपका मन मोह लेंगी। आपको बता दें कि नैनीताल में आप बहुत कुछ घूम सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बजट की बात करें तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आप नैनीताल में प्रति व्यक्ति 2 से 2500 रुपये प्रतिदिन के खर्चे पर भी घूम सकते हैं। अब बात करते हैं कि नैनीताल में आप घूम क्या सकते हैं, तो आपको बता दें कि नैनीताल में शॉपिंग के अलावा नैनी झील में आप बोट राइड कर सकते हैं। इसके अलावा नैनीताल में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जहाँ से नैनीताल का नज़ारा देखते ही बनता है। आपको बता दें कि नैनीताल के अलावा 7 झीलें ऐसी हैं जो नैनीताल में घूमी जा सकती हैं, जिसमें भीमताल और नकुचा ताल काफ़ी फेमस बताई जाती हैं। इसके अलावा आप नैनीताल से कुछ दूर स्थित मुक्तेश्वर भी घूमने जा सकते हैं और यहाँ से आप हल्द्वानी और रानीखेत भी घूमने जा सकते हैं। आपको बता दें कि नैनीताल का टिफ़िन टॉप भी काफ़ी पॉपुलर है और यहाँ पर जाने के लिए आप रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। नैनीताल में यूँ तो काफ़ी लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन अगर आप नैनीताल घूमना चाहते हैं तो उसके लिए गर्मियों का मौसम या फिर सर्दियों का मौसम सर्वोत्तम है। बारिशों के मौसम में आप नैनीताल ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर कई बार लैंडस्लाइड भी हो जाता है। हम आशा करते हैं कि अगर आप नैनीताल का ट्रिप बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध हुई होगी। अगर ये जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध हुई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।